नमस्कार छात्रों, कैसी हो? मुझे उम्मीद है कि ऑनलाइन स्टडी में रत आप सब मन लगाकर पढ़ती हुई खुश होगी। चलो, 12वीं कक्षा की सभी छात्रगण, पाठ नंबर है 14, पढ़ने के लिए नोट्स, किताब, पेन साथ में रखकर तैयार हो जाओ। और मैं हार्दिक स्वागत भी करती हूँ पढ़ने के लिए। तो पाठ नंबर है 14, उसका नाम है सुभाष मानव, सुभाष महामानव, जिनके साहित्य प्रकार है रेखाचित्र। और उस जो रेखाचित्र है, उस रचना है जिनके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी है, उनकी थोड़ी सी चर्चा करने से पहले, उनके परिचय देने से पहले इस शीर्षक की थोड़ी सी चर्चा करूँ तो चतुर्वेदी जी ने उसका शीर्षक सुभाष चंद्र बोस क्यों नहीं रखा है? क्योंकि वो इतने महान व्यक्ति थे, क्रांतिकारी थे, देश के महान नेता थे कि जिन्होंने अपना समग्र जीवन देश के लिए कुर्बान कर दिया। उनकी जीवन यात्रा देश की प्रगति में ही जुड़ी हुई थी और उनकी जीवन यात्रा संघर्षमय थी और उन्होंने देश के लिए, उनकी मृत्यु भी रहस्यमय बना दी। इसीलिए उन्होंने, उनका नाम, इस रचना का नाम सुभाष चंद्र बोस नहीं या सुभाष मानव नहीं, लेकिन सुभाष मानव, सुभाष महामानव, मतलब मानव से भी विशेष, ऐसा महान विशेषण जुड़कर चतुर्वेदी जी ने उसके दिल में जो सुभाष बाबू के प्रति जो पूजनीय भाव है वो हमें दिखाई देता है। और साथ साथ हमें यह भी शीर्षक के आधार पर पता चलता है कि सुभाष बाबू ने देश के लिए कितना महान कार्य किया है, योगदान दिया है। और साथ साथ चतुर्वेदी जी के दिल में भी छाया हुआ जो देश प्रेम की भावना है छाई हुई, वो भी हमें पता चलता है। इसीलिए तो उनकी रचना में पता चलेगा कि उन्होंने देश के लिए क्या किया है। तो अब इस लेखक, रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी है, उनका थोड़ा सा परिचय दूँ तो उनका जन्म सन 1887 में बावई होशंगाबाद में हुआ था और उनकी निधन सन 1968 ईस्वी सन में हुई। और एक मार्क के लिए अपनी नोट्स में नोंद करना, जो ये रेड अक्षर में लिखा है वे दोनों शब्द कि राष्ट्रीय विचारधारा के ओजस्वी कवि माना जाता था हिंदी साहित्य में, क्योंकि उन्होंने अधिकांश रचना राष्ट्रीय विचारधारा को केंद्र में रखकर ही लिखी है। और साथ साथ एक भारतीय आत्मा के नाम से किस कवि हिंदी जगत में सुपरिचित थे? तो उनका जवाब भी माखनलाल चतुर्वेदी आएगा। बोर्ड की एग्जाम में एक मार्क्स के लिए, बहु विकल्प के लिए, क ख की जोड़ मिलाने में भी वे दोनों प्रश्न आईएमपी है। अपनी नोट्स में नोंद करना, क्योंकि बैठे बैठा वे दोनों प्रश्न नवनीत में, अपेक्षित में या किसी भी जगह पर आपको नहीं मिलेगा। तो संक्षिप्त में उसके परिचय की ओर आगे बढ़ू तो राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मैंने बताया ना कि सन 1887 बावई होशंगाबाद में हुआ। उन्होंने केवल नॉर्मल तक की शिक्षा प्राप्त की थी। सागर विश्वविद्यालय से डीलिट की मानद उपाधि मिली और वे हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण रचित करने के लिए उन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत अधिक विधाओं की रचना की। इसीलिए तो मैंने पहले ही बताया कि एक भारतीय आत्मा के नाम से हिंदी जगत में वो सुपरिचित हो गए। अब उनकी रचना के बारे में थोड़ा सा परिचय दूँ कि ताकि आपको पता चले कि उन्होंने हिंदी साहित्य में कौन कौन सी विधाओं की रचना की जिनके कारण वह एक भारतीय आत्मा या राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी के नाम से वो सुपरिचित बन गए थे। तो उनकी रचना है हिम तरंगिनी, हिम किरीटिनी, माता, युग चरण, समर्पण, वेणुलो गुंजे धारा धरा, मरण ज्वार, कृष्णा ज्वार, बनवासी, कला का अनुवाद, समय के पाव, साहित्य देवता, आमिर इरादे, गरीब इरादे, चिंतक की लाचारी आदि उनकी प्रसिद्ध हिंदी साहित्य में उन्होंने रचना रचित करके अन्य साहित्यकारों के बीच महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। और साथ साथ उन्होंने भारत सरकार ने भी महत्वपूर्ण पुरस्कृत देकर उसको सम्मानित भी किया है, क्योंकि उनकी जो अधिकांश रचना है
वो देश प्रेम की भावना से युक्त होने के कारण एक भारतीय आत्मा, एक भावधारा के, राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी के नाम से सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्य में हो गए, अन्य साहित्यकारों के बीच, विश्व के अन्य साहित्यकारों के बीच और हिंदी जगत में भी सुपरिचित हो गए। अब संक्षिप्त में इस रेखाचित्र है उनका महत्वपूर्ण मुद्दे को केंद्र में रखकर चर्चा करने से पहले संक्षिप्त में सार बताओ उनके कठिन शब्द मुहावरे, ताकि इस रेखाचित्र समझने में जरा भी दिक्कत न हो सके। तो इस रेखाचित्र में लेखक ने सुभाष बाबू के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है, जिसमें सुभाष बाबू का चरित्र विश्लेषण करते हुए उन्होंने उनके जो संघर्षमय जीवन यात्रा है उनके चित्र उसमें उभरे हैं। तो यहाँ पर सुभाष बाबू ने देश के लिए कितना योगदान दिया है, कितना बलिदान दिया है, इस रेखाचित्र के माध्यम से हमें पता चल सकता है। साथ साथ यहाँ पर जो लेखक के मन में जो देश प्रेम की भावनाएं चतुर्वेदी जी के मन में छाई हुई है वो भी हमें पता चलता है। और आगे कठिन शब्द की ओर बढ़ूँ तो कठिन शब्द ये सब है, उनके परिचय के साथ साथ कठिन शब्द की नोंद भी, नोट्स भी अपने नोट्स में करना, ताकि पर्यायवाची शब्द तैयार करने में भी जो 2 मार्क्स में बोर्ड की एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहला कठिन शब्द है डबल मार्च, मतलब शीघ्र अभियान, होता मतलब यज्ञ में आहुति देने वाला, बद जात मतलब नीच, मन चिता मतलब इच्छानुसार, भत्सना मतलब कड़ी निंदा, बलशालिनी मतलब शक्तिशाली, सैन मतलब इशारा, हरियाणा मतलब हरा भरा, गरज मतलब तल मतलब विह्वलता, सेनानी मतलब सेना नायक। ये सब प्रश्न कठिन शब्द है वो महत्वपूर्ण है, पर्यायवाची प्रश्न जो विभाग सी में व्याकरण में पूछा जाता है उसमें उपयुक्त होता है, 2 मार्क्स के लिए IMP है। और मुहावरा भी 2 मार्क्स में पूछा जाता है, 2 पूछा जाता है, उसका अर्थ और वाक्य प्रयोग कीजिए। तो पहला मुहावरा है, ये सब IMP है, वो भी स्लाइड में बताए गए सब मुहावरे अपनी नोट्स में नोन करना। जी में काटा चुभना मतलब खटकना, काटा निकालना मतलब संकट दूर होना, बाग बाग होना मतलब बहुत प्रसन्न होना, पछाड़ मिलना मतलब पराजित होना, पीछे ठेलना मतलब हराना, हाथ मींजना मतलब पछताना, लोहा लेना बदला लेना मुकाबला करना, मजा चखाना मतलब किए का फल देना। ये सब मुहावरे है जिनकी नोंद अपनी नोट्स में करना। और महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर हम आगे बढ़े तो पहला ही मुद्दा है अटकले। ये जो तस्वीर है आप लोग सुपरिचित है सुभाष बाबू की, कि सब जो हमारे देशभक्तों है, नेता है, क्रांतिकारी वीरों के तस्वीरें आप देखते होंगे, उसमें सुभाष बाबू इस वेशभूषा में ही सुसज्जित होता है। उसकी तस्वीर सुभाष बाबू की यहाँ पर मैंने लगाई हुई है। तो पहला पॉइंट है अटकलें। सुभाष बाबू जब से भारत गए लोगों उनके बारे में तरह तरह की अटकलें और रहस्य खड़ा करके उसके बारे में सोचने रहे थे कि सुभाष बाबू तो बीमार थे। जब उनकी मृत्यु रहस्यमय हो गई ना, तब तरह तरह की अटकलें लगाने लगे और उनके मन में, देश की जनता के मन में तरह तरह के रहस्य खड़ा हुआ रहा। तो वे बेचारे इतने बीमार थे कि घर से भी बाहर नहीं निकल सकते थे। तो वे देश से कब बाहर निकल गए, एक बहुत खतरनाक रहस्य लोगों के मन में खड़ा हुआ था। युद्ध से लौटे होंगे तब लोगों ने सोचा कि हमारे जो दुश्मन राष्ट्र है अमेरिका और इंग्लैंड, उन्होंने घेर लिया होगा ताकि वो भारत वापस न लौट सके और बंदी बना लिया जाएंगे। फिर ऐसी दूसरी अटकल खड़ी हुई, लेकिन अटकल तो मात्र अटकल ही होती रहती है, रहस्य रहस्य ही होता है। और आगे के पॉइंट में क्या है हम देखें। और बाद में तरह तरह की उनकी मृत्यु जो रहस्यमय हो गई, तरह तरह की देश की जनता अटकलें लगाने लगे और रहस्य भी उसके मन में तरह तरह के खड़े हुए। और आगे विमान अज्ञात लोक को, सुभाष बाबू का विमान है अज्ञात लोक में गए, तब तरह तरह की अफवाहें फैली हुई थी। एक अफवाह ये थी कि उनकी मृत्यु रहस्यमय हो गई थी और उसका कारण है विमान दुर्घटना में, वे वापस लौटते थे उस समय पर विमान दुर्घटना में विमान टूटने से जमीन दस्त हो गए और सुभाष बाबू
है वो अनंत यात्रा में चले गए, स्वर्ग लोक में, देव लोक में चले गए, ऐसी अफवाहें फैली हुई थी। लेकिन देश की जनता आज भी विश्वास नहीं करते कि उनकी मृत्यु हो गई है, क्योंकि उनकी मृत्यु के बारे में कोई निश्चित कड़ी आज भी नहीं मिली है। और लोगों को ऐसा विश्वास है कि बाबू आज भी किसी भी देश में, किसी भी देश में हमारे देश पर आएंगे, ऐसी राह देख रहे, ऐसी कल्पना कर रहे हैं। तो यहाँ पर सभी भारतीय जनता के दिल में सुभाष बाबू के प्रति कितना प्रेम भाव है, पूजनीय भाव है, लेखक के साथ साथ हमें दिखाई देता है। और साथ साथ सुभाष बाबू के यहाँ पर किसी भी देश में, किसी भी देश में हमारे देश में आएंगे ऐसा विश्वास जनता रखते थे, ऐसी कल्पना में छाए हुए थे, उनकी राह देख रहे थे कि देश की भारतीय जनता के मन में श्राद्ध करने के लिए भी उसका मन है, वो तैयार नहीं है। तो यहाँ पर आज भी लोग विश्वास नहीं करते, यहाँ पर उसके दिल में जो सुभाष बाबू के प्रति पूजनीय भाव है वो हमें दिखाई देते हैं। रहस्यमय हो गए, सुभाष बाबू की मृत्यु है रहस्यमय हो गई। यहाँ पर लेखक लिखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी कि उनकी जन्म ही रहस्यमय था और उनकी मृत्यु भी रहस्यमय हो गई, और उसका सारा जीवन यात्रा के बारे में हम दृष्टिपात करें तो रहस्यमय ही था, संघर्षमय ही था। और एक दृष्टि से हम देखिए तो देश के सामंत वीरों है, वीरों है, योद्धा है, बलिदानी है, प्रायः रहस्यमय ही होते हैं। तो ये क्रांतिकारी व्यक्ति है रहस्यमय ही होते होंगे, क्योंकि वो कोई भी कार्य करने के लिए आयोजन करते हैं, वो किसी को नहीं बताते, यदि बताने से फूट जाते तो उसका जो कार्य है वो कभी सफल नहीं मिलता, इसीलिए वो रहस्यमय ही होता है। वे ऐसे रहस्यमय क्रांतिकारी व्यक्ति है, वो अपमानों को अपमान लेते हैं, मतलब स्वीकार ही लेते हैं, लेकिन वरदानों के समय कभी वो सामने नहीं आते, वो चाह ही नहीं रखते, उस समय वो रहस्यमय हो जाते हैं। जिस प्रकार सुभाष बाबू ने देश की आज़ादी के लिए अथक प्रयत्न किया, लेकिन जब हमारे देश आज़ाद हुए तब वो रहस्यमय हो गए, उनकी मृत्यु रहस्यमय हो गई। आगे का पॉइंट है खोज देश बंधु दास की। सुभाष बाबू है इस क्रांतिकारी प्रवृत्ति में स्वयं नहीं आए थे, उनके जो मित्र है देश बंधु, उसकी खोज से, उसकी प्रेरणा से आए थे। और देश बंधु दास है वो ऐसे ही क्रांतिकारी व्यक्ति की खोज करना चाहते थे, और उसकी नज़र में सुभाष बाबू आए, और सुभाष बाबू भी अपने मित्र है देश बंधु दास, उनकी प्रेरणा से देश में इस क्रांतिकारी प्रवृत्ति में जुड़ गए। वह विलक्षण सेनानी बने और रहस्य तो उनका स्वभाव ही था, मैंने कहा ना कि उनका जन्म भी रहस्यमय था, तो उनका स्वभाव रहस्यमय हो वह तो स्वाभाविक है। और विलक्षण सेनानी बने, साथ साथ विशाल सैन्य के एक सिपाह सलाहकार के रूप में भी उन्होंने कार्य किया, जिम्मेदारी भी ली। और आगे का पॉइंट है उनकी जीवन यात्रा के बारे में मैं बताऊँ तो चतुर्वेदी जी कहते हैं कि उनका जीवन यात्रा है, उनकी जीवन यात्रा वो विशिष्ट थी, रहस्यमय थी, विचित्र रही। वे जा रहे थे ICS का इंतहाम देने और पहुंच गए CR दास के क्रांतिकारियों में, क्योंकि उसके जो मित्र है देश बंधु दास, उनकी प्रेरणा से वो क्रांतिकारी प्रवृत्ति में जुट गए और सब परीक्षा परीक्षा उन्होंने देना मना कर दिया, और वो राजी भी हो गए क्रांतिकारी प्रवृत्ति में जुट जाने के लिए। उन्होंने ब्रिटेन के शत्रुओं को मित्र राष्ट्र बनाए, मतलब अंग्रेजों के जितने जितने दुश्मन राष्ट्र थे उसके साथ मित्रता करके अपना मित्र राष्ट्र बना लिया, साथ में एक विशाल सैन्य इकट्ठी किए और सेना के सिपाह सलाहकार के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। और मित्र राष्ट्रों से जुड़कर वो भारतीय राष्ट्र के जो दुश्मन राष्ट्र थे अमेरिकन इंग्लैंड, उसको मजा चखाने के लिए जा रहे थे, चाहते थे मित्र राष्ट्र की मदद लेने के लिए, लेकिन उसका नतीजा विपरीत हुआ और वो विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी मृत्यु रहस्यमय थी। आज भी इस बात को पता नहीं है कि बाबू की मृत्यु किस कारण से हुई, आज भी रहस्यमय इस प्रश्न रहस्यमय रूप से खड़ा है। और सुभाष बाबू विमान दुर्घटना हो जाने से देवलोक पहुंच गए और उनका कार्य पूर्ण नहीं हुआ। और आगे का पॉइंट है जीवन पथ। बाबू का जीवन पथ विचित्र था, विशिष्ट था एवं संघर्षमय रहा। देश बंधु के निधन के बाद बंगाल के नेतृत्व से वे बेचारे उनके मित्र थे, उनकी निधन के कारण सहायता कम मिली, कारण क्योंकि हमारे देश में आज़ादी की प्राप्ति के लिए बहुत से अधिक नेता लोग गांधी जी के नेतृत्व के नीचे कार्य कर रहे थे, लेकिन गांधी जी की विचारधारा और बाबू की विचारधारा विरोधाभास थी। गांधी जी सत्य और अहिंसा को साथ में रखकर लड़ना चाहता था,
लेकिन बाबू कभी कभी युद्ध करने के लिए तो निश्चिंत थे, लेकिन हिंसक युद्ध करने पड़े, हिंसक लड़त लड़नी पड़े तो भी वो तैयार थे, निश्चिंत थे। इसीलिए वे दोनों की विचारधारा विरोध थी। इसीलिए उनके जो मित्र है देश बंधु दास, उनकी निधन हो जाने के कारण बंगाल के नेतृत्व से वो वंचित रह गए। कलकत्ता कांग्रेस में सन 1928 में उनको ठोकर मिली, निष्फलता मिली। बाद में स्विट्जरलैंड से उन्होंने देशवासियों को गांधी जी के नेतृत्व से दूर रहने को कहा, लेकिन वहां से लौटे तो स्वयं गांधी जी के आशीर्वादों से भरी हरिपुर कांग्रेस के सभापतित्व की गादी ग्रहण की। और वो इस कार्य में भी निष्फल हुए, क्योंकि सब व्यक्ति गांधी जी की नेतृत्व के नीचे जुड़ गए, क्योंकि गांधी जी और बाबू वे दोनों का कार्य एक ही था, ध्येय एक ही था, देश को आजादी दिलाना। लेकिन वे दोनों की विचारधारा विरोधाभास होने के कारण रास्ता अलग अलग था। फिर पटाधी से लोहा लेकर गांधी जी को पीछे ठेलकर बाद में त्रिपुरा कांग्रेस की गद्दी जीती और इस कार्य में वो सफल हुए। ये उनकी जीवन पथ थी, जीवन यात्रा थी, बहु संघर्षमय थी, विचित्र थी और रहस्यमय भी थी और विशिष्ट भी थी। और आगे स्वतंत्रता के लिए बाबू देश की आजादी के लिए उन्होंने अथक प्रयत्न किया था और उसके लिए वो युद्ध के भी समर्थक थे। हिंसक लड़त लड़नी पड़े तो भी वो निश्चिंत थे। वो गांधी जी की तरह केवल सत्य और अहिंसा दोनों गुणों को साथ में लेकर आज़ादी के लिए प्रयास नहीं करते थे। इसीलिए मैंने आगे के जो स्लाइड में पॉइंट में बताया ना कि वे दोनों का कार्य एक ही था, ध्येय एक ही था, देश को आज़ादी दिलाना। लेकिन वे दोनों की विचारधारा विरोधाभास होने के कारण उसका मार्ग था, पंथ था, वो अलग अलग था। एक सत्य और अहिंसा की हिमायती थे तो बाबू जो ठीक लगे तो अहिंसक के साथ साथ हिंसक लड़त भी लड़ना चाहते थे। इसीलिए तो वे दोनों की विचारधारा अलग होने के कारण तो विरोधाभास थे। तरुण उनकी सेना के सिपाही थे। आगे कलकत्ते में बाबू पर स्कॉटलैंड यार्ड में प्रशिक्षित पुलिस का बड़ा पहरा था, फिर भी पुलिस को चकमा देकर गायब हो गए। फिर हिटलर का उन्हें भारत का प्रथम वायसराय बनाया। महीनों तक कई समाचार उनके बारे में न मिला और मृत्यु की दुशंका, यहाँ पर उनकी जो विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी ने, ये सब बातें पेश की है इस स्लाइड में जो महत्वपूर्ण है। सेगाव रेडियो से भारतीयों से बोलना, आजाद हिंद सेना बनाना और युद्ध, फिर तूफान के हाथों अपने आप को सौंप देना, ये सब महत्वपूर्ण बातें युद्ध के समय पर जो हुई उसका वर्णन इस पॉइंट में लिखा हुआ है। जो सारे पाठ है, रेखाचित्र है, महत्वपूर्ण मुद्दे है, ये मुद्दे केंद्र स्थान पर इस पाठ में है। और उनकी मृत्यु है विमान दुर्घटना में महत्वपूर्ण हो जाने के कारण, जो दुश्मन राष्ट्र को अपने मित्र राष्ट्र की सहायता से जो दुश्मन राष्ट्र को मजा चखाना चाहते थे, यह कार्य पूर्ण नहीं हुआ बेचारे से और वो देवलोक हमेश के लिए पहुंच गए। लेकिन देश की जनता को उसके दिल में इतना प्रेम है कि आज भी वो उनका श्राद्ध करने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि बाबू की मृत्यु नहीं हुई है, किसी भी देश में, किसी भी देश में हमारे देश में आएंगे, ऐसी कल्पना करते हैं तो देश की जनता के दिल में भी वो कितने छाए हुए हैं वो हमें पता चलता है। और अंतिम वाला जो पॉइंट है, आज आज़ादी मिलने का श्रेय है बाबू को ही है, क्योंकि उन्होंने बहुत अथक प्रयत्न किया था, अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन इसीलिए तो आज हमारे देश की जनता है, आज नहीं है इस दुनिया में, फिर भी अन्य क्रांतिकारी नेताओं के बीच बाबू का स्थान है जो केंद्र स्थान पर है। आज भी देश की जनता उनका गुणगान कर रहे हैं। आज़ाद हिंद सेना के सिपाही भारतीय सेना में बाद में मिल गए उनकी मृत्यु हो जाने के बाद। और जय हिंद IMP पॉइंट है, जय हिंद का नारा किसी भी राष्ट्रीय कार्यक्रम पूर्ण हो जाने के बाद हम सब बोलते हैं, वो किसने दिया है? सुभाष बाबू ने दिया है, सुभाष चंद्र बोस ने दिया है, जिनके कारण तो आज देश की जनता उसको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और हम भी आज उसको सत सत प्रणाम करना चाहेंगे। आज भी बाबू किसी और किसी भी जगह पर किसी भी देश में आए तो पहले की तरह भी पूजा प्राप्त करेंगे, पूजनीय बनेंगे, ऐसी बात चतुर्वेदी जी ने बताकर इस पाठ पूर्ण किया है, रेखाचित्र पूर्ण किया है। तो संक्षिप्त में बताऊँ तो इस पाठ में सुभाष बाबू के जो लेखक के दिल में उसके प्रति जो श्रद्धांजलि है वो अर्पित की है, साथ साथ सुभाष बाबू के चरित्र विश्लेषण करके उनकी जो जीवन यात्रा कितनी संघर्षमय थी, कितनी रहस्यमय थी, कितनी विचित्र और विशिष्ट थी उसके बारे में बताया है। और साथ साथ उन्होंने
देश की आज़ादी के लिए कितने महान कार्य किया है, अपनी जान भी उन्होंने कुर्बान कर दी है। ये बात को यहाँ पर पेश करने के लिए उसका जो शीर्षक है उसमें भी उसके नाम के साथ विशेष विशेषण लगा है, महामानव। ऐसा कहकर उसकी जो गौरव गाथा है वो यहाँ पर बिरदाया है। यहाँ पर सुभाष बाबू के दिल में जो देश प्रेम की भावना है वो हमें पता चलता है, साथ साथ राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवि के रूप में, एक भारतीय आत्मा के रूप में जो हिंदी जगत में सुपरिचित है, ऐसे महान कवि चतुर्वेदी जी ने भी अपनी अधिकांश रचना देश प्रेम की भावना से युक्त महान देश नेताओं को केंद्र में रखकर ही रची है। तो यहाँ पर उनके दिल में जो देश प्रेम की भावना है वो भी पता चलता है, और साथ साथ हमारी संपूर्ण जो समग्र भारतीय जनता है, बाबू आज इस दुनिया में नहीं है फिर भी उनकी मौत रहस्यमय हो गई है, फिर भी उनकी मृत्यु आज भी नहीं हुई है, उसकी मृत्यु के बारे में इस बात स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सब भारतीय जनता के दिल में भी बाबू के प्रति कितना प्रेम भाव है, पूजनीय भाव है, वो भी लेखक के साथ साथ हमें पता चलता है, क्योंकि उनके प्रति पूजनीय भाव होने के कारण तो वो सभी जनता है ऐसी आस रख कर खड़े हैं कि किसी भी देश में, किसी भी वेश में बाबूजी हमारे देश पर आएंगे, ऐसी कल्पना करते हैं, और उनकी मृत्यु हुई है इस बात को भी स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, और श्राद्ध करने के लिए भी उनकी मृत्यु की तैयार नहीं है। तो देश की जनता के दिल में भी कितनी प्रेम भाव है उसके प्रति वो पता चलता है। साथ साथ चतुर्वेदी जी इस बाबू के पाठ के आधार पर हमें भी देश के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, बलिदान देना चाहिए, देश के प्रगति के लिए, उन्नति के मार्ग पर हमें मिलजुल कर एक दूसरों को मदद करना चाहिए। ऐसी सबक इस पाठ के आधार पर हमें मिलती है, और साथ साथ संक्षिप्त में कहूँ तो छात्रों, मुझे उम्मीद है कि इस रेखाचित्र, इस पाठ ठीक तरह से समझ में आ गए होंगे, और होमवर्क में मोस्ट आईएमपी जो निबंध है बोर्ड की एग्जाम में पाठ के अनुरूप पूछा जा सकता है, सुभाष चंद्र बोस, तो ये पाठ का जो सार है मैंने जो बताया, महत्वपूर्ण मुद्दे तैयार करना जो निबंध में, और बड़े प्रश्न की रचना करने में, तैयार करने में भी आपको उपयोग होगा, और लेखन की बुक में सुभाष बाबू का निबंध नोंद करना, साथ साथ जो टेक्स्ट बुक के पीछे के जो स्वाध्याय के प्रश्न है, एक मार्क के, दो मार्क के, पाँच मार्क के, और व्याकरण के प्रश्न, वह भी उसमें नोंद करना। तो छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ठीक तरह से इस पास समझ में आ गए होंगे। अस्तु, फिर कल मिलेंगे।